हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे हम लोग और एक नया वीडियो का आज का जो टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेफ जोन क्या रहेगा, बेंगलोर जोन से एक्सपेक्टेड वाइस कट ऑफ क्या रहेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में आप लोग को शेयर करेगा। सो दोस्तों, छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल में नया विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जितना भी कैंडिडेट है बेंगलोर जोन से उन लोग को भी शेयर कर दीजिए, उन लोग को भी पता चल सकता है एक्सपेक्टेड वाइस कट ऑफ क्या रहेगा और सेफ स्कोर क्या रहेगा मिनिमम, हम लोग को आप लोग को पूरा शेयर करेगा। सो चलिए दोस्तों, देर नहीं करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करके देखिए टोटल वैकेंसी, टोटल वैकेंसी बेंगलोर जोन से कितना रहेगा। देखिए 2470 टोटल वैकेंसी था, उसके अनुसार में टोटल जो कैटेगरी वाइज में जो टोटल वैकेंसी कितना था वो एक बार देख लीजिए। फर्स्ट देखिए यूआर का 1042 था यूआर का, और एससी वालों का 367 था एससी वालों का। एसटी वालों का कितना गया था, एसटी वालों का था टोटल वैकेंसी 185 था, और ओबीसी वालों का कितना था वैकेंसी 665 वैकेंसी था। ईडब्ल्यूएस वालों का 205 था वैकेंसी। सो उसका आधार में जो सेफ जो टोटल जो कैंडिडेट का हिसाब से जो ज़्यादा ज़्यादा वैकेंसी का अनुसार जो कैंडिडेट हो रहा है स्टेशन मास्टर का कितना था दोस्तों, देखिए 499 था स्टेशन मास्टर का टोटल वैकेंसी। उसमें नेक्स्ट कमर्शियल काम टिकट क्लर्क वालों का 509 था कैंडिडेट, और सीनियर कमर्शियल काम टिकट क्लर्क का 365 था। सो उसके आधार में दोस्तों देखा जाएगा तो एग्जाम पैटर्न एक बार देख लेना जरूरी है, जिसी का एग्जाम का पहले जो एग्जाम पैटर्न होता है वो एक बार देखना जरूरी होता है। फर्स्ट हम देखिए बात करके मैथ वालों का 335 जाएगा टोटल मार्क्स का अनुसार एग्जाम क्वेश्चन। रिजोइनिंग वालों का 35 जाएगा, जीके जीएस वालों में 50 जाएगा बेंगलोर जोन से। उसके आधार में आप लोग को जो टोटल हो रहा है 120 हो रहा है, उसके आधार में आप लोग को जितना भी कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाएगा तो टोटल मिला के जो एग्ज़ाम का पैटर्न का हिसाब से जो हो रहा है 120 टोटल, उसके आधार में आप लोग को 80 और 85 तो लेके आना है। मिनिमम आप लोग को 90 का मिनट दिया जाएगा, उसके आधार में आपको तैयारी करना है और सेफ स्कोर में आप लोग को शेयर करना है। देखिए अभी हम बात करेगा बेंगलोर जोन में जो एक्सपेक्टेड हुआ सेफ जोन क्या रहेगा वो एक बार देखिए 2022 में। फर्स्ट हम बात करेगा जनरल वालों का 90 से लेके 95 के आसपास जा सकता है जनरल वालों का कट ऑफ। एसटी वालों का क्या जा सकता है, एसटी वालों का 82 से लेके 85 के आसपास जा सकता है प्लस एसटी वालों का। एससी वालों का कितना जा सकता है, एससी वालों का 85 से लेके 88 के आसपास जा सकता है एससी वालों का। ईडब्ल्यूएस वालों का कितना जा सकता है, ईडब्ल्यूएस वालों का 88 से लेकर 90 के आसपास जा सकता है ईडब्ल्यूएस वालों का। ओबीसी वालों का कितना जा सकता है, ओबीसी वालों का 85 से लेकर 90 के आसपास जा सकता है ओबीसी वालों का। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे टोटल जितना भी कट ऑफ हम बता रहे हैं इसमें दो एक नंबर तो इधर उधर हो सकता है, हम गारंटी देकर बोल रहे हैं इसके आधार में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा 2022 में। और कैंडिडेट का अनुसार आप लोग को जो ध्यान में रखना है जो टोटल जो नंबर हो रहा है इसमें आप लोग को 85 तो लेके आना है और 80 के आसपास तो आपको स्कोर करना ही है। फिलहाल आप लोग को सेफ जोन में और सेफ स्कोर में रहेगा, 80+85 रहेगा तो आप लोग। सो हम गारंटी देकर बोल रहे हैं शायद आप लोग को 85 और 80+ तो आ ही जाएगा। सो बेंगलोर जोन से जितने भी मतलब वैकेंसी हो रहा है उसके आधार में देखा जाएगा तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग और सेफ जोन रहेगा मेरा अप्रोक्स के अनुसार आपको हमको लग रहा है दोस्तों, गारंटी देकर बोल तो नहीं रहा है। और जो स्टेशन मास्टर कमर्शियल काम टिकट वालों का जितना भी कैंडिडेट हो रहा है उसमें जो कट ऑफ रहेगा इसी उसकी अनुमान का हिसाब से सेफ स्कोर रहेगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जितना भी कैंडिडेट है बेंगलोर जोन से उन लोग को भी शेयर कर दीजिए, क्या पता चल सकता है सेफ स्कोर और अनुमान के हिसाब से उन लोग तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक्स दोस्तों वीडियो वॉच करने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।